हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बैरी आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर में आने वाला है न्यू मेंबर। सो मैंने उसका नाम बैरी रखा हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले भी हमारे घर पे 3 डॉग्स रह चुके हैं, और मुझे नहीं पता था कि डॉग्स में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। सो बैरी को हम अपने घर में फ्राइडे को लेके आए थे, एंड सैटरडे को उसे मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार मिर्गी के अटैक्स आए थे। सो फर्स्ट टाइम जब आया हुआ था तब तो मैं घर में अकेली थी, और मुझे नहीं पता था कि डॉग्स को भी मिर्गी वगैरह आती है। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जब उसे आया था फर्स्ट टाइम मिर्गी, तो उसने अपना सर ऊपर कर लिया था और वो कंटिन्यू रोने लग गई थी। और उसकी जो बॉडी का जो हाफ बॉडी है, मतलब उसके हाथ और पैर एक एक काम नहीं कर रहे थे। सो उस टाइम मैं घर पे अकेली थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। तो जब उसे इवनिंग में सेकेंड टाइम उसे मिर्गी का अटैक आया, तो उस टाइम लकीली मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने खुद देखा, फिर उसे शांत वगैरह करवाया। तो हमने ना वीडियो बना के जो डॉग्स जिससे हमने ख़रीदा था, तो हमने उसे भेजा कि इसे क्या हो रहा है। तो उसने फिर हमें बताया कि मिर्गी के अटैक्स आ रहे हैं। सो हमने बोला उनको कि आप डॉग वापस ले लीजिए, हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं घर पे मीन्स अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड काम में रहते हैं और वो घर पे मतलब टाइम टाइम से होते हैं, तो पूरे टाइम मैं ही घर पे रहती हूँ। सो वो डॉग मेरे लिए ही लेके आए थे कि मैं घर पे बोर ना हूँ। और तो मुझे लगा कि अभी सिर्फ 3 या 4 दिन हुआ है उसे लाए हुए, तो अभी हम उसे अगर वापस कर देते हैं तो उतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद, चाहे वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हो, तो अगर कोई भी इंसान हो या कोई भी डॉग हो घर पे रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी अटैचमेंट बढ़ जाती है। तो उसे वैसी कंडीशन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब चीज़ देखने से। सो ये अच्छा है कि हमें नेक्स्ट डे ही पता चल गया। फिर सडनली संडे को उसे फिर से एक बार अटैक आया, तो हमने ट्यूसडे को उसे रिटर्न कर दिया, जहाँ परचेस किया था वहाँ हमने उसे रिटर्न कर दिया। एंड अब हमने फिर से ये डिसाइड किया है, क्योंकि लास्ट जब हमारी डॉगी 3 मंथ्स में ही ख़त्म हो गई थी, सो उसने कुछ गलत चीज़ खा ली थी, शायद वो लेदर वगैरह कुछ उसने खा लिया था, तो उससे झाग वाली उल्टी वगैरह हो रही थी। तब हमने डिसाइड किया था कि हम घर पे डॉगी नहीं लाएंगे, बट अब हम न्यू घर पे शिफ्ट हुए, सो हमें लगा कि ला लेना चाहिए डॉगी घर पे। बट अब फिर से ये डिसाइड हो रहा है कि हम अभी कुछ साल तक के तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है फिर मन भी थोड़ा बेकार सा हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से हम बैरी को लेके आए थे अपने घर, और उसके बाद उसे रिटर्न करना पड़ा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि कुछ टाइम तक या कुछ साल तक के, जब तक के मन अभी फिर से अच्छा नहीं होगा, हम घर पे डॉगी नहीं लाएंगे। और तो बैरी को मेरा सिर्फ बोलने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही है कि जब बैरी आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर में आ रहा है कोई न्यू मेंबर, और अब वो अचानक से चली गई, हम उसे छोड़ के आ गए वापस। तो मुझे ये भी लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। और ये भी बात बतानी चाहिए जिनको नहीं पता है कि डॉग्स को भी मिर्गी आती है, और मुझे तो फर्स्ट टाइम ही पता चला, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है डॉग्स को ऐसे। और तो बस गाइस, मैं यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी।
के लिए जो मैं मार्केट गई हुई थी, तो मेरा फर्नीचर अभी घर पे आ चुका है और कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो प्लीज़ गाइज, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ।